बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊँगी कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कैसे बनते हैं और इन मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की एक कॉमन मसला है, हम बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि स्किन के ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा कोई ऑयली चीज़ लगा रहे होते हैं तो पोर्स खुल जाते हैं, और जब पोर्स खुल जाते हैं तो इसके अंदर डर्ट जा रही होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, मिट्टी, धुआं वगैरह जा रहा होता है, और वहाँ पर जहाँ पोर्स खुले होते हैं उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं जो कि ब्लैक हेड्स कहलाते हैं। धुआं, मिट्टी और गंदगी के जमा होने से इनके मुँह बंद हो जाते हैं और वो काले काले से निशान से बन जाते हैं जो कि बहुत बुरे लग रहे होते हैं, ये ब्लैक हेड्स होते हैं। इसके साथ ही वाइट हेड्स बन जाते हैं, बारीक बारीक वाइट वाइट से निशान बने होते हैं जो कि छोटे छोटे मोतियों की तरह लगते हैं। वो जो है इंडिकेशन होती है कि आपकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, इसका आपको लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। इसका आसान सा हल ये है कि इन दोनों का जो भी मेन रीज़न है उसको हल करना है। साथ साथ स्किन की क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। इसको अपने चेहरे को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें कि दिन में, इसके लिए हमें चाहिए कि हम दिन में 3 से 4 बार अपना फेस किसी अच्छे से फेस वाश से धोएँ। ब्लैक हेड्स बनने की बड़ी वजह मैदे की तजाबियत भी है। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस पिया करें, सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जिसमें फूल गोभी भी शामिल है जो हमारे मैदे के लिए बहुत बेस्ट है। आपके फेस पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बने हैं तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट रेमेडी बताने वाली हूँ। तो जी जनाब, चलते हैं आज हम अपनी रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक साफ बर्तन, साथ इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चावल का आटा, और अब हम इसमें मिक्स करेंगे लेमन जूस। जी तो व्यूअर्स, इसमें नींबू डालकर इतना इसको मिक्स करें कि ये एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये रेमेडी तो तैयार हो गई है, लेकिन अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। इसको लगाने के लिए, ये मैं आपको अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करके बताऊंगी। इसको लगाने के लिए हमें इस तरह करना है कि एक साफ बर्तन लें, उसमें नीम गर्म पानी डालें और एक टॉवल लेकर उसको अच्छी तरह निचोड़कर अपने नोज़ या चिन एरिया, जिस जगह पर आपके ब्लैक हेड्स हैं, आपने वहां पर उसकी स्टीम देनी है। स्टीम देने के बाद आपने इस स्क्रब को अपने हाथों या ब्रश की मदद से जहाँ जो मेन एरिया होता है वहाँ पे सर्कुलर मोशन में इस तरह मसाज करनी है। जब ये आप मसाज कर लेंगे तो आपके ओपन पोर्स हो चुके होंगे, स्क्रबिंग करने से आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे वो बाहर निकल आएंगे आपके। ये व्यूअर्स, मैं ये नहीं कहती कि आपको एक दफ़ा यूज़ करने से ही आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मसला हल हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर 1 हफ़्ता यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएंगे। जब ये थोड़ा खुश्क हो जाए तो आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है, और इसको 5 मिनट तक इस तरह स्क्रबिंग करने के बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। और आपको पता है कि ये स्क्रबिंग करने से आपके पोर्स ओपन हो चुके हैं, इसको अब ओपन पोर्स नहीं रखने। आपने पोर्स को बंद करने के लिए आपने एक आइस क्यूब लेना है और उसकी मसाज अच्छी तरह करनी है। तकरीबन कम से कम आपने 2 से 3 मिनट तक आइस क्यूब की मसाज करें जिससे आपके ओपन पोर्स बंद हो जाएं। आप इस रेमेडी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।